आज का लेक्चर जो रहेगा वो सिलेक्शन के ऊपर रहेगा। सिलेक्शन, यहाँ पे मैंने फोटोशॉप में एक फाइल ओपन की हुई है। यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल का लेयर लेने के लिए लेयर में जाके मैं डुप्लीकेट लेयर ले रहा हूँ, दे रहा हूँ। सिलेक्शन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर रेक्टेंगल पोर्शन सिलेक्ट करना है तो रेक्टेंगल ले लिया और सिलेक्शन किया। सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस ये है कि जितना पोर्शन अपन सिलेक्ट किया हुआ है उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं या तो उसके अंदर के कलर्स चेंज कर सकते हैं। मुझे कलर चेंज तो नहीं करना है, सिलेक्ट में जाके इस सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए डी सिलेक्ट या तो कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। अगर सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो मैं सर्कल लेवल में सिलेक्टेड करता हूँ, और अगर इसमें भी कोई चेंजेस करना है जैसे कि एडजस्टमेंट एच यू सेचुरेशन, और मैं उतना कलर चेंज किया तो फेस का कलर चेंज हो रहा है, मैंने कैंसिल किया, ये भी सिलेक्शन मुझे रिमूव करना है तो मैंने सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट के बहुत सारे यूजेस भी है, जैसे कि यहाँ पे फ्री हैंड सिलेक्शन करना है तो लॉसो टूल से हम लोग यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे वन टाइम हम लोग ने माउस क्लिक किया हुआ है तो जब हम लोग उसे छोड़ देते हैं क्लिक को, लेफ्ट क्लिक को, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाता है। वापस देखते हैं, मैंने यहाँ पे लॉसो टूल्स ले लिया और मैंने बटन प्रेस किया और मैंने माउस का कर्सर ऐसे घुमाना चालू किया, जितना पोर्शन सिलेक्ट किया हुआ है उतना पोर्शन हम लोग सिलेक्ट करें, मतलब यहाँ पे इवन शेप नहीं रहेगा, जैसे रेक्टेंगल और सर्कल नहीं तो आउट शेप रहेगा तो भी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम कमांड वैसे ही लेकिन पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पोलो लॉसो टूल, पोलो लॉसो टूल से हम लोग एक एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन क्यों करना है, क्योंकि पर्टिकुलर इमेज के अंदर अगर मुझे चेंजेस करना है या तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, मुझे बैकग्राउंड को ही खाली डिलीट करना है, तो मैंने खाली बैकग्राउंड का पोर्शन सिलेक्ट कर दिया और इसे सिलेक्ट करने का रिमूव करना है तो यहाँ पे मास्किंग भी कर सकता हूँ या तो मैं डिलीट प्रेस करके डिलीट कर सकता हूँ। मैंने नीचे का लेयर ऑफ किया था, अगर ऑफ नहीं करता तो डिलीट इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, जो एक्टिवेट लेयर है उसके ऊपर डिलीट करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। ये सिलेक्शन अगर रिमूव मुझे निकाल देना है तो सेम कमांड सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर सकते हैं। एज इट इज वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक लॉसो टूल्स है, इससे हम लोग जैसे बाजू के एजेस है उसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक एरो और मैग्नेट का टूल का दिखा रहा है, अगर आइकॉन मुझे चेंज करना है, मतलब डिस्प्ले में चेंजेस करना है, तो कैप लॉक ऑन करने के बाद जैसे सर्कल में आइकॉन आ रहा है, वापस कैप लॉक ऑफ करने के बाद मेरा जो भी आइकॉन है वो दिखाई दे रहा है। मैंने कैप लॉक ऑन किया, सर्कल में आ गया, और मैग्नेटिक में यहाँ पे क्लिक करके मैंने जैसे ही माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली खाली एजेस सिलेक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट्स है वो बहुत नज़दीक आ रहे हैं, मतलब जो नोड दिखाई दे रहे हैं। मैं कैंसिल करता हूँ, एक्सेप्ट बटन करके मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे सिलेक्शन मैंने कैंसिल करने के लिए सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट किया। यहाँ पे जैसे ही मैंने मैग्नेटिक टूल ले लिया, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और कंटूर्स ये 100% है, इससे मैंने यहाँ पे मैंने 50% कर दिया और फ्रिक्वेंसी को भी 50% किया। अगर फ्रिक्वेंसी और 50% कर रहा हो तो एजेस को वो सिलेक्ट कर रहा है लेकिन जो पॉइंट्स है वो थोड़े से दूरी के ऊपर आ रहे हैं, मतलब एकदम नज़दीक नहीं आ रहे। जैसे मैंने सिलेक्शन किया, मैंने ये पोर्शन सिलेक्ट करना चालू किया, मैंने अभी मुझे जितना पोर्शन चाहिए उतना सिलेक्शन किया, अभी ये सिलेक्शन में मेरा बैकग्राउंड तो डिलीट नहीं होगा, मतलब इमेज डिलीट होगा, ये देखो यहाँ पे कहीं और जा रहा है। अगर मैंने क्लिक करके यहाँ पे जा रहा है, अगर वापस पीछे आना है तो बैकस्पेस, कीबोर्ड का बैकस्पेस प्रेस करके मैं वापस एरो से भी ये साइड आके ये रिमूव कर सकता हूँ। जैसे पॉइंट लेना है तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपका अच्छा रहेगा उतना सिलेक्शन अच्छी तरह से हो सकता है, मैंने सिलेक्ट कर दिया। लेकिन मैं अगर इसे डिलीट करता हूँ तो मुझे जो इमेज चाहिए थी वो इरेज हो रही है, मैं कंट्रोल जेड अंडू कर रहा हूँ, मुझे ये इमेज को, मतलब ये फोटो को डिलीट नहीं करना था, उसके पीछे का बैकग्राउंड डिलीट करना था, तो ये सिलेक्शन मेरा गलत हो रहा है। इस सिलेक्शन को अपोजिट सिलेक्शन या तो इनवर्ट सिलेक्शन करना है तो सिलेक्ट में जाके मैंने इनवर्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक किया। इनवर्स सिलेक्शन से क्या हुआ,
जो सिलेक्शन ऑलरेडी था उसके अपोजिट सिलेक्शन हो गया। अभी मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है। डिलीट की वजह से मेरा पूरा पोर्शन डिलीट भी हो रहा है यहाँ पे। अगर मुझे ये अंडू करना है तो कंट्रोल जेड करके अंडू किया, मल्टी अंडू करना है तो कंट्रोल अल्ट और जेड दबा के मैं मल्टी अंडू कर सकता हूँ, जो ओरिजिनल में ला सकता हूँ। ये दो सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन के लिए ही क्विक एक्सेस टूल है। अगर मैंने ये एक्सेस, अभी आइकॉन मेरा प्लस साइन दिख रहा है आइकॉन, अगर इस आइकॉन को मुझे अगर चेंज करना है तो कैप लॉक ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया, ऑन ऑफ से पता चलता है मुझे ये सिलेक्शन चाहिए। जैसे ही मैंने बटन प्रेस करके कीबोर्ड का माउस का बटन प्रेस करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो जो सिलेक्शन होते जा रहा है, ये जो साइज है वो सर्कल का उसे कम ज्यादा करना है, तो ये ब्रश है। यहाँ पे साइज कम ज्यादा करना है तो यहाँ पे ब्रश है, इस ब्रश से साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन बढ़ रहा है, सिलेक्शन बढ़ रहा है, ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन ये साइड हुआ, मुझे नहीं चाहिए ये, तो माइनस के लिए यहाँ पे माइनस है, या तो अल्ट प्रेस करके, जैसे माइनस लेता हूँ तो ये आइकॉन में सर्कल के बीच में माइनस करके साइन आया, तो मैं माइनस करके ये पोर्शन माइनस कर सकता हूँ। अगर ज्यादा हो गया, अगर मुझे प्लस करना है ये पोर्शन, तो हम लोग प्लस साइन या तो कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के हम लोग इसको एडिशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर क्लिक किया और ये पोर्शन मुझे प्लसिंग करना है, अब यहां पे भी प्लस करके मैं थोड़ा सा पोर्शन ले लिया, ये एक्स्ट्रा हुआ तो माइनस के ऊपर क्लिक किया तो माइनस। ये सिलेक्शन अगर एक सिंगल कलर रहेगा तो सिलेक्शन अच्छी तरह से होता है, इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं डिलीट करता हूं तो मेरा इमेज डिलीट हो रहा है, नहीं करना है मुझे। मुझे क्या करना है, यहां पे जो सिलेक्शन डिलीट करना है वो उसके अपोजिट का, तो मैं सिलेक्ट कमांड में यहां पे क्या दिया हुआ है, इनवर्स मतलब रिवर्स करके दिया हुआ है, और यहां पे मैं डिलीट करूंगा तो बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है। हम लोग ने मास्किंग कमांड देखेंगे तो उसमें डिलीट कमांड यूज नहीं करेंगे, हम लोग कंट्रोल डी किया। वैसे सिलेक्शन में यहां पे मैजिक टूल्स है, मैजिक टूल्स से मैं पर्टिकुलर पोर्शन सिलेक्ट करा, इतना सारा सिलेक्शन हुआ, मुझे इतना ही पोर्शन सिलेक्ट करना था लेकिन बहुत सारा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि टॉलरेंस ये जो है 50% है, इससे मुझे अगर मैं 10% करता हूँ, 10 दे दिया तो सिलेक्शन कम हो रहा है, अभी आधा अंदर नहीं आ रहा है, और कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 5 करके दे दिया तो सिलेक्शन इतना ही सिलेक्शन हो रहा है। इसमें एडिशन करना है तो यहाँ पे एडिशन के लिए मैंने क्या बुलाया है, एड द सिलेक्शन, इस सिलेक्शन को बढ़ा सकता हूँ मैं, इससे भी मेरा प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन अलग अलग टाइप के सिलेक्शन है इसमें से ये में, लेकिन सिंगल कलर होता तो सिलेक्शन होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक इमेज दिखाता हूँ, सिंगल कलर का इमेज मैं ओपन करता हूँ, वहां पे आपको पता चलेगा, जैसे ये है मुझे इसका बैकग्राउंड इमेज डिलीट करना है, बैकग्राउंड कलर, तो ये व्हाइट कलर ओनली सिंगल कलर का कलर है, तो यहाँ पे इसको डुप्लीकेट लेना है, तो मैंने लेयर में जाके डुप्लीकेट ले लिया और ओके कर दिया, नीचे का बैकग्राउंड जो है उसे ऑफ कर दिया। जब मैं सिलेक्शन से यहाँ पे जो मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन है वहां पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हुआ, और मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट भी हो गया। सिलेक्शन भी यहाँ पे भी सिलेक्शन अभी कम हुआ, मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस करके ये सिलेक्शन में कर रहा हूं तो इतना ही सिलेक्शन हो रहा है, मुझे ज्यादा सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे 5 के जगह पे मैं 50 करता हूँ, और जब मैं क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन मेरा प्रॉपर हो रहा है और मैंने डिलीट कर दिया। अंडू करते हैं पूरा इमेज, अब वापस देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन में अगर मैंने यहाँ पे 2 या 5 डालता हूँ, और जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ, सिलेक्शन मेरा एग्जैक्ट कट टू कट नहीं हो रहा है, कोई पोर्शन रह रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो चॉइस करता है, वो सिंगल कलर चॉइस करता है, व्हाइट में भी अगर थोड़ा सा भी ग्रेश कलर होगा तो वो सिलेक्शन नहीं करता है। लेकिन वही चीज अगर टॉलरेंस में जाके हम लोग इसे 50% या तो 60% या तो 100% करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन अच्छी तरह से हम लोग करते हैं। मैं डिलीट बटन दबाया, मैंने वापस देखते हैं, ये सिलेक्ट करना है तो इसे सिलेक्ट किया और डिलीट करना है तो इसे भी डिलीट कर दिया, तो मेरा बैकग्राउंड इजिली हुआ। ये कमांड कब अप्लाई हुआ, जब मेरा सिंगल कलर सिलेक्शन होगा तब, वरना तो मेरा अगर मल्टी सिलेक्शन, जैसे ये इमेज में मल्टी सिलेक्शन था, यहाँ पे मल्टी कलर था, मल्टी कलर में ऐसे कमांड्स का यूज बहुत तकलीफ होता है, इसके लिए अलग अलग कमांड दिए हुए। वैसे यहाँ पे और एक कमांड है, ये जो कमांड है पेन टूल, पेन टूल से हम लोग इसे सिलेक्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं।
इसका यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना इंपॉर्टेंट कमन ये पेन टूल ही है। मैं अगर इसे मैग्नीफाई करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस से जूम किया मैंने यहाँ पे, और मैंने स्पेस बार से, मतलब ये पेन टूल चाहिए मुझे, यहाँ पे पेन टूल है, इससे मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ बटन प्रेस करके, या तो मैं स्पेस बार दबा के मैं पेन टूल का यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से सिलेक्शन करना चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे पेन टूल, पेन टूल से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसे ड्रैग करके इसे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे सिलेक्शन में कहाँ पे सिलेक्शन करना है वो ध्यान में रखना, ये सिलेक्शन ये जो ग्रे ब्लर हो रहा है उसके अंदर से सिलेक्ट करना चालू करो। जैसे क्लिक करूँगा तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने अगर अलग से पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट लिया हुआ है, उसके आगे पॉइंट लेना है मुझे, इसके आगे पॉइंट लेना है। पॉइंट लेने के टाइम जब मैं यहाँ पे पॉइंट में बटन प्रेस करके रखा और ड्रैग कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्शन लाइंस आ रही है, डायरेक्शन मतलब एरोज दिखाई दे रही है। इस एरो से हम लोग क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये राउंडेड में आ रही है, मुझे स्ट्रेट चाहिए थी अभी, तो मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ या तो निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे माइनस करके है, माइनस से डिलीट करके है, इसे डिलीट कर सकता हूँ, और वापस कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करना है, तो वापस मैंने पेन टूल लिया यहाँ से कंटिन्यू करने के टाइम, लेकिन ये कंफ्यूज करता है मुझे, ये लाइंस, ये जो डायरेक्शन आ रहा है, ये डायरेक्शन करूँगा अल्ट प्रेस करके, डायरेक्शन में यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये डायरेक्शन मैंने यहाँ से क्लिक करके निकाल दिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, जैसे मैं सिलेक्शन जा रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन जा रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन जा रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन, और यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जैसे ड्रैग करके, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे अपन, तो उसके ऊपर डिपेंड है। ये ड्रैग किया मैंने, यहाँ पे ड्रैग किया मैंने, ये ड्रैग किया मैंने, ये ड्रैग किया, इसे सिलेक्ट किया मैंने, इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया मैंने, इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके जा रहा हूँ मैं, और सिलेक्शन मेरा अगर कंप्लीट होता है, अगर मैं सिलेक्ट करते करते जा रहा हूँ, मैं पूरा सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, जहाँ पे एंड है वहाँ पे क्लिक करके दिया, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को अगर सिलेक्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या दिया मैंने, मेक ए सिलेक्शन, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में मेक ए सिलेक्शन से सिलेक्शन हो गया। अभी यहाँ से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी करना है तो कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तो सिलेक्शन करने के लिए किस तरह तरीका है, ये सिलेक्शन निकालना है तो मैंने डी सिलेक्ट किया, वापस देखते हैं। मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया, पेन टूल से यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसे प्रेस करके ड्रैग किया, मैंने इसे ड्रैग किया, मैंने इसे ड्रैग किया, इसे ड्रैग किया, जैसे ये पॉइंट के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग देखेंगे, जस्ट क्लिक करते जाना है, और जैसे क्लिक करने के बाद मुझे एंटर देके, कंट्रोल एंटर देके मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करके अगर रिमूव डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया, और यहाँ पे अगर मुझे इसे वापस से लाना है तो कंट्रोल जेड करके मैं लाया, और मुझे क्लोज करना है तो क्लोज। आज इतना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने क्लोज किया मैंने यहाँ पे।